नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विंध्याचल मंडल में स्थित आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का महात्म्य अद्भुत है। यह मंदिर आदिकाल से भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण का साधन बना रहा है। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में जो भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हो जाती हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में भक्तगण क्या मनोकामना लेकर आए हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। देखिए, माँ विंध्यवासिनी का दरबार भरा पूरा है, भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज शक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का दरबार सदैव भरा रहता है, शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर बड़े ही श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं। इन्हीं में से एक सज्जन हैं और इनके साथ एक महिला है। इनसे जानते हैं कि माँ विंध्यवासिनी के यहाँ क्यों आई हैं और क्या कहना चाहती हैं। आज आप यहाँ पर क्यों आई हैं? माँ दुर्गा का पूजा करने। तो यहाँ पर पूजा पाठ करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ बराबर दर्शन करने आती हैं या कोई मान्यता थी? नहीं, एनिवर्सरी पर ही आते हैं। किसी पर्व पर भी आती हैं? नहीं, वैसे नहीं आते हैं। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आने से आपकी किन किन समस्याओं का समाधान हो गया है? बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, देखिए इनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? आप कहाँ से हैं? हम मुंगारी से हैं, मुंगारी करछना। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन आप करने आए हैं? ये हमारी सिस्टर हैं, ये हमारी सिस्टर हैं, बोली कि साथ में चले चलिए, अकेले थी, थोड़ा साथ निभाने के लिए हम भी चले हैं। सोचे थोड़ा विंध्यवासिनी माता का पूजा भी कर लेंगे, अपनी भी मनोकामनाएँ भी रख देंगे माता जी से। अगर माता जी चाहेंगे हमारी मनोकामना अगर पूरी कर देंगी तो हम भी हमारी इच्छा जो रहेगी पूरा करेंगे आके, और हम भी यहाँ आपसे बात करना चाहेंगे। आप अपनी मनोकामना बताएं कि माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आपने ऐसा क्या मांग किया है माँ विंध्यवासिनी से? मांग यही किए हैं कि हम थोड़ा PCS की तैयारी करते हैं, चाहते हैं हम भी अगर PCS में हमारा हो जाता है तो हम भी एक अधिकारी बन जाएंगे, तो हम इनका बिल्कुल पूजा पाठ करने के लिए इनको व्यवस्थित के साथ आएंगे। मतलब अधिकारी बनने के बाद आप माँ विंध्यवासिनी की सेवा करेंगे? बिल्कुल सेवा करेंगे, पूरा पूरा तो अधिकारी बनने के बाद माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आप आए हैं, क्या दायित्वों की पूर्ति करेंगे? अब दायित्व की क्या, जो हमारी इच्छाएँ मनोकामना रहेगी जितना हमसे बन सकेगा उतना हम यहाँ के करेंगे अपने। बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अनुपम न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।